नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष सीरीज के सेकंड पार्ट में स्वागत है। जैसा हमने आपसे पहले कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के जो भी बेसिक और थोड़े से जटिल कॉन्सेप्ट हैं उनको सरल तरीके से समझाया जाए। इस सीरीज का मूल उद्देश्य यही है ताकि आप उनको कनेक्ट कर सकें। आसपास होने वाले यदि घटनाओं से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहता है और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी बेटर हो जाता है। उसी सीरीज में हम आज बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना है, खास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जरूर ही आपने इसका नाम सुना होगा और ऐसा महसूस किया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई प्रश्न कहीं अटकता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं रेजोनेंस आ जाता है। ऐसा हमने देखा है, बच्चों से भी इस तरह का फीडबैक प्राप्त होता है कि जहां पर भी कुछ मामला अटका नहीं कि जरूर वहां रेजोनेंस का काम दिखाई देता है। तो देखिए, रेजोनेंस क्या है हम ये जानने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से। हमने इसके बारे में निश्चित तौर पर पढ़ा है। ये हमको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में भी देखने में मिलता है, ये हमको ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी वाले सेक्शन में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, आपने निश्चित ही तौर पर इसकी परिभाषा जरूर पढ़ी होगी और थोड़ी सी जटिल सी लगती है हमको परिभाषा। देखिए, मैं भी यहां आपको परिभाषा बताता हूं क्या है इसकी डेफिनेशन। कि इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के द्वारा किसी भी प्रजाति की एक से ज्यादा संरचनाएं यदि आप लिख सकते हो, बना सकते हो, वैलिड संरचना, मतलब लुईस संरचना जिसको हम बोलते हैं, तो इस घटना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। अब भाई ये क्या बात हुई, मतलब क्यों हम एक से ज्यादा बना रहे हैं, और एक शब्द यहां पर ये क्या है, विस्थानीकरण है ना, डी लोकलाइजेशन। एक सरल रूप में जैसा हमने कहा आपसे, कोशिश करते हैं समझाने की कि ये घटना है क्या, एक्चुअली ये हो क्या रहा है, एक से ज्यादा संरचनाएं क्यों लिखनी पड़ रही हैं और कैसे लिखी जा सक रही हैं, है ना। देखो, एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बेसिकली रेजोनेंस क्या घटना है। मान लेते हैं आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो रही है कि साहब हम तो एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाएंगे। अब इच्छा है, देखिए इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। तो हमारी इच्छा हो रही है कि हम एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाएंगे, फिर तीसरी पर लगाएंगे, फिर चौथी पर लगाएंगे, हो सकता है घूम करके वापिस भी आ जाएंगे, ऐसा हमारे मन में आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि आप अपनी छत से कूदरे अगली पर, फिर उससे अगली पर, फिर उससे अगली पर, बीच में गैप है ना, आपका मकान है, दूसरा मकान है, बीच में गैप है, उसको पार करके आपको जो है वो अगली छत पर जाना है। तो मैं आपको यदि आपकी पोजिशन बताना चाहूं तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, बताइए मैं कैसे आपको जज करूंगा। आप कभी इस छत पर दिखाई दे रहे हैं, कभी उस पर, फिर कभी उस पर, फिर कभी उस पर, लगातार आप जो है वो अपनी स्थिति को डीलोकलाइज कर रहे हैं, अपनी स्थिति को बदलते जा रहे हैं। तो मुझे यदि आपको शो करना है तो मुझे इन सब का कहीं ना कहीं एक मिक्सचर लेना पड़ेगा, एक एवरेज लेना पड़ेगा, यानी मुझे आपकी पोजिशन को इन सब पर दिखाते हुए ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस छत पर भी हैं, फिर अगली पर हैं, फिर अगली पर हैं, आप सब जगह हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि सब जगह आपको दिखा दूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा, ये आपकी जो अलग अलग छतों पर स्थिति है, इसका मैं फोटो खींच लूं मान लेता हूं, तो इनको मैं कहूंगा अनुनादी संरचनाएं। आप इस छत पे थे, छलांग लगाई, अगले पहुंच लिया, मैंने फोटो खींच लिया तुरंत, बहुत जोरदार वाला। फिर अगले छत पर गए, फिर मैंने फोटो खींच लिया, एक जोरदार वाला। ये जो फोटो हैं वो आपके क्या हैं, अनुनादी संरचनाएं। और इनका मिला जुला रूप जब मैं बनाऊंगा ना, जिसमें आपको मैं आंशिक रूप से सब पर दिखाऊंगा, सभी छतों पर दिखाऊंगा, ये घटना क्या कहलाएगी, अनुनादी संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी एक्चुअल संरचना जो अणु की होती है वह रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में दिखाई जा सकती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप। इस तरह से आप समझ सकते हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी पोजीशन को या डीलोकलाइज करता है, चेंज करता है, बदलता है। जैसा कि हम इस उदाहरण में आप देखिए, ये डबल बॉन्ड था, ये पॉजिटिव था, ये इधर गया, देखिए किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है, ये यहां जा रहा है साहब, ये पॉजिटिव इधर आ गया है, यानी डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो ये दो जो संरचनाएं मैंने बनाई है ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये उनका संयुक्त रूप है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। यहां देख रहे होंगे, डबल बॉन्ड को मैंने यहां भी दिखाया है, डबल बॉन्ड को मैंने यहां भी दिखाया है, पॉजिटिव को मैंने यहां भी दिखाया और यहां भी दिखाया है, आंशिक रूप से। फुल चार्ज तो कैसे दिखा दूंगा बताइए,
इसको बिल्कुल इसी उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि आप अपनी छत से अगली छत पर छलांग लगा रहे हैं, फिर अगली छत पर छलांग लगा रहे हैं, बीच में गैप है। अब आप सोचो, घटना तो समझ में आ गई होगी कि ये ऐसा यदि हो पा रहा है तो इसी को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और मुझे फाइनली आपकी पोजीशन को दिखाना है तो मैं किसी एक जगह पर तो कैसे दिखा सकता हूं, मुझे संयुक्त रूप से सभी को कंबाइंड करके दिखाना पड़ेगा, उसी को रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, और वही आपके ओरिजिनल पोजीशन को दर्शाएगा। ठीक। अब क्या होता है कि एक और शब्द आता है जो भी अक्सर बच्चों को दुखी करता है, संयुग्मन, कंजुगेशन। अब यह क्या मत नहीं, संयुग्मन हम बोलते हैं कि जब रेजोनेंस आपको करवाना है तो आपको संयुग्मन चाहिए, जिसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन। फिर से हम अपने उसी उदाहरण पर आएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। देखो, आप एक छत से दूसरी छत पर जा रहे हो, बीच में गैप है, तो आप मुझे बताइए इस घटना को करने के लिए आपको क्या निश्चित तौर पर एक छत के बाद दूसरी छत चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर इतना ही ज्यादा जोश में हम आ जाएंगे कि बिना छत के छलांग लगा देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक छत चाहिए, बीच में गैप हो, इट इज ओके, छलांग लगाने लायक गैप होना चाहिए, फिर दूसरी छत भी चाहिए तभी तो, यानी अल्टरनेट एकांतरित हमें छत की जरूरत पड़ेगी, तब यह घटना होगी हमारी छलांग लगाने वाली, नहीं तो हमारी छलांग जो है वो बीच में ही रुक सकती है और फिर एक जोरदार एम्बुलेंस की सायरन की आवाज भी आ सकती है। तो ऐसा तो हम नहीं करना चाहेंगे ना, हम अल्टरनेट वे में जब हमको छत दिखेगी तभी तो छलांग लगेगी मेरे भाई, यानी यहां चाहिए संयुग्मन। इसको टेक्निकली ऐसे दिखाते हैं, देखो डबल सिंगल डबल, या फिर डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, डबल सिंगल नेगेटिव भी हो सकता है, डबल सिंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल टाइप भी दिखाई दे सकता है। ये सब संयुग्मन की स्थितियां हैं, यदि ये होंगी तब ही डीलोकेलाइजेशन होगा, तभी छलांग लगाई जाएगी। इस घटना को संयुग्मन कहते हैं। बिल्कुल ही सरल तरीके से हमने यहां बताने की कोशिश की है, दो बातें क्लियर हैं, इलेक्ट्रॉन का वी स्थानीकरण होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, और उसके लिए संयुग्मन मस्त है, चाहिए ही चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि यह फायदा क्या हो रहा है इसे जो है वो रेजोनेंस के कारण, आपने सुना होगा जहां भी स्थायित्व की बात आती है वहां रेजोनेंस चला आता है। तो सुनिएगा, जब आप इस तरह से छलांग लगाएंगे तो आपकी ऊर्जा तो कहीं ना कहीं खर्च होगी कि नहीं, अच्छी खासी ऊर्जा लगने वाली है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे या ऐसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है ना संयुग्मन के कारण, तो उसमें ऊर्जा खर्च हो जाती है। जब भी किसी सिस्टम की ऊर्जा में कमी आती है, स्थायित्व हमेशा क्या होगा उसका, बढ़ेगा। इसीलिए इस घटनाक्रम के कारण स्थायित्व में वृद्धि होती है, और इस ऊर्जा के अंतराल को ही हम रेजोनेंस एनर्जी के रूप में भी परिभाषित करते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसी सिस्टम में इसी वजह से आती है क्योंकि इस काम को करने में एनर्जी खर्च होगी। जब भी किसी तंत्र से ऊर्जा घटेगी वह स्थायित्व की ओर बढ़ता है, यह यूनिवर्सल फैक्ट है, हर जगह काम आने वाला फैक्ट है। तो रेजोनेंस क्या है, क्यों होता है, फायदा क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब इसके कुछ नियम कायदे भी होते हैं कि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है, परमाणुओं का नहीं होता। मेरे भाई आप ही जाओगे, छतें थोड़ी ना चली जाएंगी। आप मुझे बताओ कि आप एक छत को उठा के दूसरी जगह लेके चले जाओगे? अरे आप छलांग लगाओगे, छतें वहीं रहने वाली हैं। वैसे ही ये परमाणु नहीं कहीं जाने वाले, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाले, सिर्फ ये आप हैं, ये ही ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन का ही भी स्थानीकरण होता है, परमाणुओं की स्थिति में, छतों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। एक और महत्वपूर्ण शर्त बताई जाती है रेजोनेंस में, वो भी हम पढ़ते हैं कि भैया ये समतल में होना चाहिए तंत्र। जिन परमाणुओं के द्वारा आप रेजोनेंस शो कर रहे हो वो एक तल में होने चाहिए या लगभग प्लेनर में होने चाहिए। इसको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसी साधारण से उदाहरण से समझाया जा सकता है कि यदि मुझे एक छत से दूसरी पर जाना है तो दोनों का लेवल लगभग बराबर होना ही चाहिए। यदि एक यहां है एक यहां है तो भी मुझे दिक्कत आएगी, वापिस ऊपर कैसे जाऊंगा, या फिर एक इतनी ऊपर है और एक यहां है तो भी मैं कैसे छलांग लगा पाऊंगा। सरल सा उदाहरण है, यदि मैं लगातार क्रमिक रूप से छलांग लगाना चाहता हूं तो मेरी पहली शर्त यह होगी भैया कि लेवल समान हो। यदि लेवल में अंतर होगा ना तो छलांग लगाना अत्यंत घातक सिद्ध होगा, नुकसानदायक हो जाएगा।
तो सभी लगभग समान तल में हो तो ही ये घटना होगी। बिल्कुल सरल सी बात है, जैसा कि हमने इसको आपको कनेक्ट करते हुए समझाया है। तो इसके भी कुछ नियम कायदे हैं जो हमने यहां लिखे हुए हैं। संयुग्मन होना चाहिए, समतली होने चाहिए, परमाणु व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना चाहिए, और एक बात, जो अनुनादी संकर बनता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि वो एक्चुअल उसकी स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वास्तविक संरचना। जैसा मैंने कहा कि मुझे यदि आपकी पोजीशन को बताना है तो मेरे पास क्या तरीका है इसके अलावा कि मैं आपको सब जगह दिखाते हुए डॉट 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 करते हुए बताऊं कि भाई आप यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं। ये जो फाइनल फोटो मैं बनाऊंगा ना, उसी को मैं कहता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड, उसी का एक्चुअली एग्जिस्टेंस होता है। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। इसी इसी रेजोनेंस पर हम दो प्रभाव भी देखते हैं जिनको रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इनमें भी एक बेसिक सा अंतर है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। कभी कभी वो भी डाउट रहता है कि सर रेजोनेंस और एम प्रभाव ये क्या है। तो देखिए, रेजोनेंस के द्वारा उत्पन्न प्रभाव है मीसोमेरिक प्रभाव जिसे हम कहते हैं। एक विशेष दिशा में जब रेजोनेंस होने लग जाता है ना, मतलब आप एक छत से आगे की ओर ही जा रहे हो, फिक्स हो गया, या फिर उस छत से पीछे की ओर ही आ रहे हो, फिक्स हो गया, तो फिर इसको हम मीसोमेरिक कैटेगरी में डाल देते हैं। जो आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। यानी अनुनाद यदि किसी दिशा विशेष में करा दिया जाए, बहुत सरल है, रेजोनेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि हम करवा दें तो उसको फिर हम मीसोमेरिक कैटेगरी में डाल देते हैं, जो कि प्लस एम और माइनस एम प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो एक शॉर्ट से वीडियो के द्वारा हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप बेसिकली समझ सकें कि अनुनाद क्या है। बाकी परिभाषाएं तो हमने खूब पढ़ी हैं कि जब एक किसी भी यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना से नहीं दिखाते तो एक से ज्यादा बना लेते हैं, उसका सारा कारण डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।